पूरी दुनिया में पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर का आज स्थापना दिवस है। जयपुर शहर की स्थापना 1727 को हुई। कनक वृंदावन बाग और मंदिर का निर्माण भी महाराजा सवाई जयसिंह ने कराया था। उन्होंने यह उद्यान वृंदावन से जयपुर पहुंची गोविंद देव जी की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए बनवाया था। चूंकि यह मूर्ति वृंदावन के उपवन क्षेत्र से यहां लाई गई थी, इसलिए इस वन क्षेत्र को बाग के तौर पर तैयार कर इसे कनक वृंदावन नाम दिया गया। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपनी प्रिय सिसोदिया रानी के लिए सन 1728 में सिसोदिया गार्डन निर्मित कराया था। सिसोदिया रानी उदयपुर के राजघराने की बेटी थी, जिनका विवाह जयपुर के महाराजा जयसिंह से हुआ था। प्राकृतिक वातावरण में पली बड़ी रानी को शहर की भीड़भाड़ से दूर सुरम्य प्राकृतिक वातावरण देने के लिए ये सुंदर गार्डन बनवाया। महाराजा ईश्वरी सिंह जयपुर के युवा महाराजा थे। मराठा शासक प्रायः जयपुर पर हमले की बात में रहते थे। 1744 में मराठों ने जोधपुर और बूंदी के राजाओं और दो अन्य रियासतों के साथ मिलकर जयपुर पर हमला कर दिया। ईश्वरी सिंह ने सेनापति हरगोविंद नाटानी को 5 सेनाओं के इस भीषण मुकाबले का सामना करने भेजा। नाटानी ने बगरू के मैदान में शत्रु सेना को धूल चटा दी। इस जीत की खुशी में 1749 में महाराजा ईश्वरी सिंह ने 5 खंडों की इमारत ईसरलात का निर्माण कराया। ईसरलात त्रिपोलिया बाजार के पश्चिमी किनारे पर ऊंची मीनारनुमा इमारत है। महाराजा सवाई माधो सिंह, चाहे फिर वो अपनों की सुरक्षा का जिम्मा हो या गैरों की रक्षा की चिंता। देशभर में 1857 की क्रांति की लहर थी। लोगों का खून उबल रहा था। जगह जगह गोरों और उनके परिवार पर हमले हो रहे थे। तात्कालीन महाराजा सवाई राम सिंह को अपनी रियासत में रह रहे यूरोपीय लोगों, ब्रिटिश रेजिडेंट्स और उनके परिवारों की सुरक्षा का ख्याल था। उन्होंने इलाके के सभी गोरों और उनके परिवार वालों को सकुशल नाहरगढ़ भिजवा दिया और अपने अतिथि धर्म का पालन किया। संपूर्ण रूप से देखा जाए तो नाहरगढ़ का निर्माण एक साथ न होकर कई चरणों में हुआ। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसकी नींव रखी, प्राचीर व रास्ता बनवाया। इसके बाद सवाई राम सिंह ने यहाँ 1868 में कई निर्माण कार्य कराए। बाद में सवाई माधो सिंह ने 1883 से 1892 के बीच यहां लगभग 3.5 लाख रूप खर्च कर महत्वपूर्ण निर्माण कराए और नाहरगढ़ को वर्तमान रूप दिया। महाराजा माधो सिंह ने ही सिटी पैलेस का मुबारक महल भी बनवाया था और महाराजा राम सिंह के बाद एल्बर्ट हॉल का निर्माण कार्य पूरा कराया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जयपुर का सिंबल बन चुके हवा महल को निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कराया। महाराजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण भक्त थे। इसके साथ ही वे महिलाओं के प्रति भी उदार थे। जयपुर में शाही सवारियां राजमहल से त्रिपोलिया होती हुई बड़ी चौपर से सिरहद्योही की ओर जाया करती थी। हवा महल उस वक्त महारानियों का महल हुआ करता था और आज जिसे हवा महल कहा जाता है वह दीवार सपाट थी। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में राजमहल की महारानियों, रानियों और अन्य महिलाओं के लिए यहां 952 खिड़कियों वाला खूबसूरत झरोखा बनाया। ये 5 मंजिला झरोखा ही बाद में हवा महल कहलाया। कृष्ण भक्त होने के कारण प्रताप सिंह ने इसे मुकुट के आकार का बनवाया। महाराजा राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को खूबसूरत बनाने में बेहतरीन प्रयास किए। उन्होंने जयपुर पर कोटा से दक्षिण की ओर विशाल उद्यान रामनिवास बाग बनवाया। 1865 में बने इस उद्यान में चिड़ियाघर, पौधघर, वनस्पति संग्रहालय भी बनवाया गया। यहाँ विभिन्न खेलों के लिए क्रिकेट और फुटबॉल के मैदान भी बनाए गए। खास बात यह है कि इस उद्यान का निर्माण बाद राहत परियोजना के अंतर्गत किया गया था। वर्तमान में यहाँ अल्बर्ट हॉल, रविन्द्र मंच और रामनिवास पार्किंग स्थल भी है। शहर का म्यूजियम अल्बर्ट हॉल भी महाराजा सवाई राम सिंह और उनके बाद सवाई माधो सिंह ने तैयार कराया। इस म्यूजियम में ऐतिहासिक वस्तुओं के साथ साथ इजिप्टियन ममी तूतू का संग्रह विशेष आकर्षण है। अल्बर्ट हॉल प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड को समर्पित इमारत है। इसकी डिजाइन अंग्रेज वास्तुविज्ञ जेकब ने तैयार की थी। जयपुर को गुलाबी रंग देने का श्रेय भी महाराजा राम सिंह को जाता है।